नमस्कार, मेरा नाम अर्चना महाजन है। मैं योग शिक्षिका और प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। आजकल हम सभी, पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना नामक विपदा से युद्ध कर रहा है। शत्रु बड़ा ही चालाक है, अदृश्य है, कहीं से भी हम पर हमला कर सकता है। हमें हर समय चौकन्ना रहना है। जैसे कि हम सबको पता है, कोरोना से बचने के लिए कोई दवाई या वैक्सीनेशन नहीं है। तो इस युद्ध में जीतने के लिए हमें हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना है, हमें स्ट्रांग बनना है, शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाना है। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। ये भी समय जाएगा, पर इससे जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। तो हमें पता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वच्छता रखनी है, बार बार हाथों को धोना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, मास्क लगाना है, घर में ही रहना है। व्यायाम, घर बैठे बैठे हम योग कर सकते हैं। योगाभ्यास में हमें स्ट्रेचिंग के आसनों का ज़्यादा अभ्यास करना है, जिससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। प्राणायाम करना है। प्राणायाम से हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, फेफड़े मजबूत होंगे और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। नाक में रोज 2 बूंदे गाय के घी के डालें। गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करें। सुबह और रात को सोने से पहले पानी में थोड़ा अजवाइन डालकर उबालें और स्टीम इनहलेशन करें। हमें पचने में हल्का आहार लेना है, फास्ट फूड या तला हुआ आहार नहीं लेना है। रोज सुबह रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला काढ़ा पीना है। दिन में हर घंटे बाद 1 कप गुनगुना पानी पीना है। हमारे आहार में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियों का समावेश करना है। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध ज़रूर पीना है। आराम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 6 से 8 घंटों की नींद ज़रूरी है। अब मन को स्वस्थ कैसे रखना है? क्या आपको पता है, मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ। शरीर और मन एक ही रथ के 2 पहिए हैं। मन को साफ करने के लिए हमें रोज ध्यान करना है। मेडिटेशन करने से मन की सफाई होती है। मन को शांत रखें, पर मन तो हमेशा तनाव में ही रहता है। जैसे कि हमें पता है, तनाव हर बीमारी की जड़ है, फिर भी हमें किसी न किसी बात का तनाव होता ही रहता है। और अब कोरोना का तनाव, लॉकडाउन का तनाव, इसमें मन को शांत कैसे रखें? कहा जाता है कि इन अ रिलैक्स बॉडी अ टेंस माइंड cannot exist। तो योगाभ्यास और प्राणायाम के बाद शरीर को शवासन में रिलैक्स करें और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग निद्रा में सकारात्मक विचारों को मन में डालें। जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ईश्वर प्रणिधान, जिसमें मंत्र जाप करें, स्तोत्र पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का स्व अध्ययन करें, अच्छे विचारों को सुने, ग्रैटिट्यूड, आभारी रहें, जीवन की हर एक स्थिति का आनंद लें, हर एक व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के प्रति आभारी रहें, शरीर और मन को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।